नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एबी नीति में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लावा कुछ ऐसी कंपनी थी जहां पर हम सब लावा के कई कबार इस फोन इस्तेमाल कर चुके थे, बट आज लावा का नामो निशान हमें पता नहीं चलता है। बट आज जो हुआ है लावा का स्कोप, आज लावा अपने वही एक हालांकि से बन रहा है। लावा ने खुद कुछ किए हैं स्मार्टफोन जो कि शुरू होने वाले और लॉन्च होने वाले जल्द से जल्द, और हमें मिलने वाले 26 जनवरी से। तो दोस्तों, ये फोन जो बनेंगे किस बेसिस पर बनेंगे, क्या क्या इसका प्रोसेसर होगा, कैसे रहेंगे फोन, क्या क्या होगी कीमतें, और कौन सी सीरीज मिलने वाली है, और क्या क्या होगा स्पेसिफिकेशंस, तो चलिए वीडियो में बनते रहिए और देखते हैं क्या क्या मिलता है इस फोन में। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्टिंग करते वीडियो को हमारे चालू। सो हम बताना चाहता हूँ कि लावा कंपनी ने अपने खुद चार और एक जो फोन है वो लॉन्च किए हैं, वो हमें मिल सकते हैं मे बी 26 जनवरी को। तो दोस्तों, बताते हैं, पहले करते हैं बात लावा के जो फोन है उसके सीरीज की। सो लावा करता है फर्स्ट सीरीज जो है लावा Z1, लावा Z2, लावा Z4 और लावा Z6। ये सब चार फोन्स और एक नया उन्होंने फोन जो ऐड किया है जो कि है माई जेड। बाकी फोन्स तो सेम है, बट माई जेड में जो कस्टमर है अपने आप से उसमें सब कुछ चेंज कर सकते हैं, सब कुछ जो फोन है वो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं लावा Z1 के स्पेसिफिकेशंस की, तो ड्यूअल सिम नैनो लावा हमें मिलने वाला है, और नैनो सिम कार्ड के साथ में ये ड्यूअल सिम वाला फोन हमें मिलने वाला है। स्क्रीन की अगर बात करें तो लगभग 5 इंचेस का स्क्रीन हमें इसमें देखने को मिल जाता है, और जो ग्लास की अगर बात करो तो यहाँ पर हमें मिल जाता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ में। ये फोन जो है काफी फर्स्ट एंट्री बहुत ही अच्छा होने वाला है, एंट्री लेवल तक ये फोन हो सकता है। अगर बैटरी कैपेसिटी करते हैं तो बैटरी कैपेसिटी में मिलने वाली है 3100 mAh की, जो कि लगभग एप्पल भी इतनी प्रोवाइड नहीं करता। बट एप्पल कहा और लावा कहा, हम इसमें कंपेरिजन नहीं करने वाले, बट हाँ 3100 बैटरी अच्छी है, बहुत ही अच्छी, लगभग वो फोन के हिसाब से अच्छी मिलने वाली है। अगर बात करते हैं इसके चिपसेट की, तो फोन मीडियाटेक हेलियो A20 का चिपसेट हमें इसमें देखने को मिलने वाला है। और फिर अगर कैमरा की बात करते हैं तो कैमरा हमें मिलने वाला है, जो बैक कैमरा रहेगा 5 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा भी हमें 5 मेगापिक्सल का दिखने वाला है। फोन के स्टोरेज की अगर बेसिकली बात करो तो ये फोन हमें 16 GB स्टोरेज के साथ में आने वाला है, और यहाँ पर जो स्पीकर की बात करो तो 5 मैग्नेटिक स्पीकर यहाँ पर भी लगने वाले हैं। तो ये बहुत कुछ इसमें Z1 सीरीज में हमें देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, बात करते हैं अभी लावा Z2 सीरीज के स्पेसिफिकेशंस की। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर मिल जाता है लावा जो Z2 सीरीज है, यहाँ पर हमें ड्यूअल सिम नैनो सपोर्ट के साथ में मिल जाता है। बात करते हैं अभी उसके वर्जन्स की, तो हमें यहाँ पर एंड्रॉयड 10 गो एडिशन पर ये चल जाता है, यानी एंड्रॉयड 10 गो यानी लगभग बहुत ही अच्छा फास्ट हो जाता है। बात करते हैं अगर इसके डिस्प्ले की, तो हमें यहाँ पर मिल जाता है 6.5 इंच का जो LED डिस्प्ले है वो HD डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाता है, और इसका एक्सपेक्ट रेशियो जो है वो 20:9 हमें देखने को मिल जाता है, और 2.5D कर्व गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोडक्शन के साथ में हमें इसमें देखने को मिल जाता है। थोड़ा बहुत तो नहीं, बट थोड़ा बहुत ये ग्लास अच्छा साबित होता है। दोस्तों, बात करते हैं अगर इसके नॉच की, तो हमें इन द डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच भी हमें इसमें देखने को मिल जाता है। अगर उसके प्रोसेसर की बात करें तो फोन हमें मिल जाता है ऑक्टा कोर मीडियाटेक हेलियो G35 के चिपसेट के साथ में। अगर बात करते हैं इसके रैम की, तो हमें यहाँ पर मिल जाता है 2 GB की रैम और 32 GB का स्टोरेज के साथ में। सो आप जो स्टोरेज आप खुद भी बढ़ा सकते हो, आप इनबिल्ट मेमोरी कार्ड भी उसमें लगा सकते हो। अगर बात करते हैं दोस्तों इसके कैमरा सेटअप की, तो हमें यहाँ पर मिल जाता है ड्यूअल कैमरा का सेटअप, जो कि आता है फर्स्ट कैमरा प्राइमरी कैमरा वो हमें मिल जाता है 30 MP के साथ में, और सेकेंडरी कैमरा हमें मिल जाता है 2 MP के साथ में। अगर बात करते हैं वैसे ही फ्रंट कैमरा की, तो हमें यहाँ पर मिल जाता है 8 MP का कैमरा, और बेसिकली जो बैक साइड का कैमरा है वहाँ पर हमें फ्लैश लाइट भी इंक्लूडेड मिल जाता है। दोस्तों, कनेक्टिविटी की अगर बात करते हैं, तो हमें यहाँ पर वाईफाई 4G कनेक्टिविटी, 3G कनेक्टिविटी, इसके साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इसके साथ में हमें फोन देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके बैटरी कैपेसिटी की, तो हमें इसकी बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है 5000 mAh की कैपेसिटी, जो कि हमने कल ही देखा है MI 10T की बैटरी कैपेसिटी से एक लगभग मैच ही कर जाती है, तो शायद ये अच्छा फोन साबित होगा। दोस्तों, अभी खबर निकल के आ जाए लावा Z1 के सीरीज की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है ड्यूअल वही जो हमारा सिम कार्ड का सपोर्ट, ये टोटली बेस्ड है एंड्रॉयड 10 के ऊपर, और इसका जो एक्सेप्ट रेशियो वो भी सेम है एज इट इज 20:9, और जो कोरिल्ला अगर बात करूँ तो वही कॉर्निंग ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, वही डिस्प्ले है, वही सब कुछ है, बट 6.5 इंच का HD प्लस IPS डिस्प्ले शामिल हो जाता है। फोन का जो रैम की बात करूँ तो वहाँ पर मिल जाता है 4 GB स्टोरेज के साथ में। अगर प्रोसेसर की बात करता हूँ तो ऑक्टा कोर मीडिया टेक हेलियो
G35 SoC पर ये आधारित काम करता है। दोस्तों बात करते हैं अगर Z4 सीरीज की, तो हमें यहाँ पर वही फोन सेम टू सेम देखने को मिल जाता है, उसका एक्सपेक्ट रेशियो भी वही सेम है, बट सिर्फ डिफरेंस इतना है कि 6.5 इंचेस का LED HD डिस्प्ले प्लस, जहाँ पर डिस्प्ले की बात करें IPS डिस्प्ले भी शामिल इसमें हो जाता है। वेरिएंट थोड़ा चेंज हो जाएगा, रैम उसकी बढ़ जाएगी, रैम हो जाएगी 4GB, और इसका जो प्रोसेसर आएगा हमें वो आएगा ऑक्टाकोर मीडियाटेक हेलियो G35 SoC पर ये हमें प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। सो बात करते हैं अभी कैमरा के, तो कैमरा सेंसर भी हमें यहाँ पर तीन देखने को मिल जाता है, ट्रिपल कैमरा सेंसर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जो प्राइमरी कैमरा सेंसर होगा वो हमें मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी होगा 5 मेगापिक्सल का, और जो थर्ड कैमरा सेंसर मिलने वाला है वो मिलने वाला है 2 मेगापिक्सल का हमें इसमें सेंसर मिलने वाला है। बात करते हैं वैसे अगर फ्रंट कैमरा की, तो हमें यहाँ पर मिलने वाला है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। अगर स्टोरेज की बात करूँ तो यहाँ पर हमें मिलने वाला है 64GB प्लस एक्सपांडेबल स्टोरेज, जो कि हम माइक्रो एसडी से भी एक्सपांडेबल कर सकते हैं। यहाँ पर लावा का बताता है कि यहाँ पर मिलने वाला है फिंगरप्रिंट सेंसर, वो भी बैक साइड में, जो कि अच्छा खासा हो जाएगा। अगर एमआई का भी वही था, एमआई ने भी वही बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया था। बैटरी अगर बात करता हूँ मैं, तो बैटरी यहाँ पर हमें मिलने वाली 5000mAh की बैटरी। दोस्तों लास्ट का पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि है लावा माई जेड की स्टोरी या स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों सब कुछ तो वही होने वाला है, बट यहाँ पर हमें डिस्प्ले वही मिलने वाला है, यहाँ पर प्रोसेसर भी हमें मीडियाटेक का हेलियो G35 ही दिखने वाला है, बैटरी भी 5000mAh की होने वाली है, और यहाँ पर USB 2 Type-C का पोर्ट हमें मिलने वाला है, लगभग सब में एक समान ही हो जाएगा। हालांकि इसमें आप जो चेंज करवा सकते हैं वो है रैम, स्टोरेज, रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा। यानी आप अगर मोबाइल के या गेमिंग के शौकीन हो तो आप खुद रैम बढ़ा सकते हो, आपके बजट में जितना आएगा उतना ही आप बढ़ा सकते हो। अगर आपका बजट बहुत ही हाई है तो आप हाई भी रैम उसमें बैठा सकते हो, बट उसमें भी यम जो लावा है बहुत ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कर देगा। बट आप इसका फ़ोन का कलर भी चेंज कर सकते हो, यानी आपको जैसा फ़ोन चाहिए आप अपना फ़ोन खुद कस्टमाइज कर सकते हो। सो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, ये थी आज की ज्ञान की बातें। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। सो मिलते हैं ऐसे किसी अनबॉक्सिंग में, ऐसे किसी टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।